हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं करा तो अभी करें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करना। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी VLCC ग्लैम ग्लो क्रीम का रिव्यू। रिसेंटली VLCC ने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट भी निकाले हैं, तो ये एक क्रीम है। तो इस ये क्लेम करता है कि ये एक प्रोडक्ट में आपको 10 क्रीम के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसके आउटर पैकेजिंग पे सारी डिटेल्स मेंशन है, मैं वन बाय वन आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला क्लेम करता है कि इंस्टेंट ब्यूटीफायर लाइटन वाइटन ब्राइटन करेगा आपके फेस को, कवर करेगा पिंपल के स्पॉट्स को, लाइट स्कार्स को, ब्लर करेगा इम्परफेक्शंस अपेरेंस और फाइन लाइन्स को, इवन स्किन टोन देगा, डीप मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रखेगा आपके स्किन को। और साथ ही साथ आप इसे डबल लेयर कर सकते हो, बिल्डेबल कवरेज है। कम्स विद अ ब्राइटनिंग प्राइमर, प्राइमर भी है इसके साथ। नो क्लॉगिंग ऑफ पोर्स, पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा। प्रोटेक्ट एज वेल एज फ्रेशन और आपकी स्किन को फ्रेश फील कराएगा। कंटेन SPF 30 और PA++++, तो इसमें सनस्क्रीन का भी काम करेगा। ऐसा ये सारी चीज़ें इसमें क्लेम करी गई हैं कि एक क्रीम आप अगर लगाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस क्रीम से। इस वाले बॉक्स पे कोई प्राइस मेंशन नहीं है क्योंकि ये VLCC के फेशियल किट के साथ फ्री था। 150 उस पर लिखा था इसका प्राइस, पर इस पर कोई प्रिंट नहीं है। और बॉक्स पे इसको कैसे यूज़ करना है और इंग्रेडिएंट लिस्ट भी है, और भी इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हैं। और अब मैं दिखा देती हूँ अंदर से ये क्रीम की ट्यूब कैसी दिखती है, और कवरेज आपको वीडियो के एंड में दिख जाएगी। मैंने इसको फेस पे अप्लाई करके भी दिखाया है वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो इस ट्यूब पे सारी चीज़ें मेंशन है जो कार्डबोर्ड पर थी, और इस तरह की पैकेजिंग में आता है। पैकेजिंग वाइज काफ़ी अच्छी है, बॉक्स भी अच्छा है इसका, ट्यूब भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, अट्रैक्टिव है। और इस तरह से ये ओपन होता है, और इसमें कोई सील नहीं लगी हुई थी, ऐसे ही खुला हुआ था ये। और ये जो मेरा शेड है, ये शेड है वॉर्म बेज। और अब मैं इसे आपको थोड़ा सा टिंट दिखाती हूँ कि कैसा है। तो ये हाथ पे तो अच्छे से ब्लेंड हो गया, और ये जो शेड है मेरा वॉर्म बेज, ये डस्की टू नॉर्मल मीडियम स्किन टोन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं इसे फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ। थोड़ा सा अमाउंट ले रही हूँ, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ना ज़्यादा रनी है ना ज़्यादा थिक है। तो डॉट डॉट करके ही मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर, और इसकी कवरेज काफ़ी सही है। अगर आप डेली वेयर करते हो कोई ना कोई बीबी क्रीम या सीसी क्रीम, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सीसी क्रीम का भी काम करेगा, प्लस सनस्क्रीन का भी करेगा, मॉइस्चराइज़र का भी करेगा। अगर आपके स्किन ड्राई है तो आपके लिए परफेक्ट है, अगर ऑयली है तो भी आपके लिए परफेक्ट है। बस इसके बाद आपको थोड़ा सा पाउडर से टचअप करना पड़ेगा। और आप इसकी कवरेज देख रहे होगे, क्योंकि ये एकदम फुल कवरेज नहीं है, नेचुरल कवरेज देता है ये। तो अगर आपको नेचुरल कवरेज वाले फाउंडेशन क्रीम्स वगैरह पसंद है तो ये आप ज़रूर बाय कर सकते हो। और जहाँ तक क्लेम करी गई हैं 10 चीज़ें, उसमें से काफ़ी हद तक सारी चीज़ें सही हैं, जैसे कि कोई फेस पे हैवीनेस नहीं लगती, पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा क्योंकि बहुत ही लाइट फॉर्मूला है। तो अब मैं यहाँ पे ब्रश से अप्लाई करके देख रही थी कि ब्रश से अप्लाई करने पे कितनी कवरेज आती है। तो ब्रश से अप्लाई करने पे कोई ख़ास कवरेज नहीं मिलती है, तो इससे अच्छा है कि आप अपने फिंगर्स के हेल्प से ही इसे अप्लाई करें। और आप देख सकते हो इसमें मुझे बस एक हल्की सी ये प्रॉब्लम लगी, अगर ज़्यादा ब्लेंड करते हो तो ये आपके स्किन से लेयर की तरह उतरता है, जैसे डेड स्किन उतरती है वैसे ही सेम उतरने लगता है। तो आप इसे ज़्यादा ब्लेंड ना करें। और इसकी कवरेज आप देख सकते हो कोई इतनी खास नहीं है, फुल कवरेज नहीं है, ना ही ये क्लेम करता है। तो नेचुरल फिनिश देगा आपके स्किन को और ग्लोइंग बनाएगा। नोज़ के पास मुझे ज़्यादा डार्क स्पॉट्स दिख रहे थे, तो मैं वहाँ पे दोबारा से इस क्रीम को अप्लाई कर रही हूँ, और लेयरिंग करने के बाद भी स्किन एकदम नेचुरल लग रही थी। तो आप देख सकते हो ये क्लोजअप का लुक, और काफ़ी सही है अगर डेली वेयर के लिए आप इसे यूज़ करते हो तो अच्छा प्रोडक्ट है। सो गाइज, ये था मेरा छोटा सा रिव्यू प्लस डेमो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।